सितंबर 2016 में रिलायंस जियो की लॉन्च होने के बाद जियो ने मार्च 2017 तक अपने ग्राहकों को फ्री कॉलिंग और डाटा सर्विस प्रदान की। उसके बाद प्राइम मेंबरशिप के साथ समर सरप्राइज ऑफर और जियो धन धना धन जैसे प्रमोशनल ऑफर दिए गए, जिसमें क्रमशः 303 और 309 के रिचार्ज पर 3 माह तक फ्री सर्विस दी गई। 1 जुलाई से जियो के अधिकतर ग्राहकों के इस ऑफर की वैधता समाप्त होने वाली है, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि 1 जुलाई के बाद जियो के टैरिफ्स में क्या बदलाव होंगे। 84 दिनों की बजाय 28 दिनों की वैधता। जियो साइट पर दिखाए गए प्लान्स में ₹19 से लेकर ₹149 के प्लान्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 309 के प्लान में जहां पहले 84 दिन के लिए 84 GB डाटा दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको 28 GB डाटा 28 दिन के लिए दिया जाएगा। इसी तरह अन्य प्लान्स पर भी वैधता में कटौती की गई है। ₹309 का प्लान, अगर आप पहली बार 309 का रिचार्ज करा रहे हैं तो आपको 84 GB डाटा 84 दिन के लिए मिलेगा, और अगर आप दूसरी बार रिचार्ज करा रहे हैं तो आपको 28 GB डाटा 28 दिन के लिए मिलेगा। तो अगर आप एक बार प्रमोशनल ऑफर के तहत 309 का रिचार्ज करा चुके हैं तो आपको 28 दिन की वैधता के साथ यह प्लान मिलेगा।